गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम फूड के कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे थे। हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और फैट कर लिया है। अब हम करेंगे मिनरल्स। ठीक है, विटामिन तक आपने कर लिया होगा, अब हम करेंगे मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी आर कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन एंड सोडियम। ठीक है, ये कुछ मिनरल्स है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है, वो है कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन और सोडियम। ये सारे हमें ज़्यादा नहीं करके थोड़ी मात्रा में तो चाहिए ही होता है, बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। और ये मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से प्राप्त होंगे? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, चीज़, फिश, बीन्स, एग्स, फ्रूट्स आर सम सोर्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फाइबर। फाइबर होना हमारे खाने में बहुत जरूरी है। फाइबर इज ऑल्सो नोन एज रफिस। फाइबर को हम क्या बोलते हैं? रफिस भी बोलते हैं। ठीक है, मोटा चारा, यानी कि खाने में हमारे वो डाइजेशन के लिए जो जरूरी है, ये फाइबर हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, देखिए, इट्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन एंड हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये हमारे बॉडी खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन को रोकता है और जो भी हमारा फूड अनडाइजेस्टेड है उसको उससे छुटकारा प्राप्त करता है, रीड मतलब छुटकारा देता है। ठीक है, इससे जो भी है खाना हमारा जल्दी पचने में हेल्प करता है। तो फाइबर या रफेज हमें किससे मिलेगा? वेजिटेबल आपको खाने में बहुत ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए, वेजिटेबल बच्चों को बहुत खानी चाहिए। ठीक है, जैसे कैरेट्स और कैबेज तो होना ही चाहिए। फ्रूट्स में आपको एप्पल और पीचेस होना चाहिए। होल ग्रेन्स में आपको व्हीट, राइस और पल्सेस। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर आपको होंगी तो आपके फाइबर आपको मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा ये है वाटर। हमारी बॉडी में 70% हमारी बॉडी है वाटर से बना हुआ है। वाटर हमारा वाटर किस किस फॉर्म में है? हमारा सलाइवा, जो हमारे मुंह में सलाइवा है, ठीक है, वो भी वाटर का फॉर्म है। ब्लड, ये सब जो है वाटर के ही फॉर्म है। और वाटर खाने को डाइजेस्ट करने में, उसको मिक्स करने में, ब्लड तक पहुँचाने में हेल्प करता है, इसलिए खाने में हमारे वाटर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी को, आवर बॉडी नीड्स अबाउट 2 or 3 liters ऑफ वाटर एवरी डे। ठीक है, बॉडी को कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है, नीड्स होती है, वो है 2 or 3 liters। अब बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट, अ डाइट डेट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट इन एडिक्वेट क्वान्टिटी इज नॉन एज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में एक ऐसा डाइट जितने भी इसमें सब कुछ हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, सब कुछ होना चाहिए, सारे कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कितने? 7 न्यूट्रिएंट्स है ना, तो सभी न्यूट्रिएंट उसमें होना चाहिए, तभी उसको बोलेंगे हम बैलेंस डाइट। हिंदी में बोलते हैं इसको संतुलित आहार। ठीक है, आहार, तो ये बैलेंस डाइट होता है। बैलेंस डाइट में सभी फूड आइटम होने चाहिए। बेसिकली ये 4 basic food groups होना चाहिए, वो है मिल्क ग्रुप, यानी कि आप खाने में मिल्क प्रोडक्ट होना चाहिए, चीज़, कर्ड, मिल्क, ये तो होना चाहिए खाने में। मीट ग्रुप, ठीक है, मीट से भी, अगर आप मीट नहीं है तो उसकी तरह आप पल्सेस वेजिटेबल या आप उसको ज़्यादा दे सकते हैं। ग्रीन ग्रुप्स और फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप्स, यानी कि आपके बैलेंस डाइट में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज चलते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है? अगर मान लो हमारे खाने में, बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पा रहा है, कोई भी एक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जा रही है, कई लंबे समय तक हम वो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पा रहे, ठीक है, तो उससे क्या होती है, उससे जो डिजीज़ होती है उसे बोलते हैं डेफिशिएंसी, मतलब कमी, यानी किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी से, कार्बोहाइड्रेट कमी से या विटामिन की कमी से या फिर मिनरल्स की कमी से, जिस न्यूट्रिएंट की वजह से जो हमें बीमारी होती है, जो हमें डिजीज़ होती है, उसे हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। डेफिनेशन बहुत ही ईजी है इसकी, समझ लो इसके ऊपर। डेफिशिएंसी डिजीज़ विच अकर ड्यू टू लैक ऑफ वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट ओवर लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड अ डेफिशिएंसी डिजीज़। यानी किसी भी एक न्यूट्रिएंट की, इन 7 कंपोनेंट में से किसी भी एक की कमी होती है, लंबे समय से अगर हम विटामिन नहीं ले रहे तो विटामिन वाली हमें डिजीज़ हो जाएगी, विटामिन नहीं लेने से हमें वो डिजीज़ हो गई है। ठीक है, मान लो अगर डेफिशिएंसी डिजीज़, देखो अगर आपने न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया कई दिनों से, ठीक है, आपने रोटी नहीं खाई या चावल नहीं खाए, काफ़ी बच्चे होते हैं जो मना करते हैं खाने में, जो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट कमी से जैसे आपको लॉस ऑफ स्टेमिना, ठीक है, आप बहुत जल्दी आपकी स्टेमिना थक जाती है, ठीक है, आप बहुत थकने लगते हो खाने में, कार्बोहाइड्रेट कमी होती है। प्रोटीन कमी से क्या होता है? स्किन प्रॉब्लम होता है, आपको फेस स्वेलिंग यानी सूजा हुआ लगता है, पेट नीचे वाला जो हमारा पेट है, ठीक है,
ठीक है, स्वेलिंग ऑफ एबोन्डेंट, वो हमारा सूज जाता है, फूला फूला लगता है, तो प्रोटीन कमी से होता है। विटामिन कमी से देखिए, विटामिन कई तरह के होते हैं और उनकी इनकी कमी से भी अलग अलग डिजीज़ होती हैं। अगर आपके खाने में विटामिन ए की कमी है तो आपका लॉस ऑफ विजन, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी की डिजीज़ हो जाती है। विटामिन सी की कमी से, अगर विटामिन सी खाने में नहीं लेते हो तो स्कर्वी हो जाता है, स्किन डिजीज़ है। विटामिन डी से रिकेट्स, रिकेट्स यानी कि आपके बोन्स बहुत ही टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, आपके हाथ पे टेढ़े मेढ़े होते हैं, काफ़ी बच्चों को झुक होते हैं। विटामिन के की वजह से हैमरेज होता है, हैमरेज आपने सुना होगा, जब किसी को चोट लगती है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। अगर विटामिन के आप खाने में नहीं है तो वो आपको जो चोट लगेगी तो उससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। अगर विटामिन के होगा आपकी बॉडी में तो आपकी इतनी ब्लीडिंग नहीं होगी। जल्दी सब कर लेते हैं, चैप्टर ख़त्म होने वाला है। डिजीज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल, मिनरल की कमी से क्या क्या डिजीज़ होती है। मिनरल्स आपके ये हैं और डिजीज़ होने वाली। कैल्शियम कमी से आपके बोन्स आपके कमज़ोर हो जाएंगे, फॉस्फोरस नहीं लोगे तो आपके भी इसमें भी वीक बोन्स हो जाएंगे। आयरन की कमी से एनीमिया यानी खून की कमी और थकान आपका नज़र आएगा, आपका फेस येलो पेल फेस लगेगा, ठीक है, खून की कमी से। आयोडीन की कमी से गोइटर यानी कि गले के नीचे सूजन आ जाती है, बहुत ज़्यादा थायराइड ग्लैंड जो है वो होता है उसे गोइटर वो कहते हैं, गले के नीचे होते हैं, हिंदी में इसको घेंगा रोग भी कहते हैं। सोडियम, सोडियम कमी से डिहाइड्रेशन और वीकनेस हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, कल इसका हम इम्पॉर्टेंट पार्ट्स और वर्मिंग करेंगे। गुड लक।